हेलो एंड वेलकम टू नीरूज किचन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बनाने जा रहे हैं आटा केक। आई होप हम कई बार सोचते हैं कि मैदा खा खा के हम बोर हो गए हैं या मैदा हाइजेनिक नहीं है, पर आटे से ही इतना स्पॉन्जी केक बनता है, बनाना आटा और वॉलनट का केक। तो आइए हम बनाते हैं। और उससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब मेरी किचन में हम बनाते हैं आटा बनाना वॉलनट केक। तो बनाना वॉलनट केक बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच रूम टेम्परेचर पे बटर लिया हुआ है। मैं ये 1 कटोरी की मेजरमेंट का बना रही हूँ, जो हमारे घर पे नॉर्मल कटोरी होती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर, 1 बॉल शुगर। मैंने बटर और शुगर को बहुत अच्छे से, हम शुगर डिल्यूट होने तक मिक्स करेंगे। इसमें मैं सारे वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैं 1/2 बॉल दही का डालूंगी, 1 स्पून विनेगर, वाइट विनेगर, और ये मैंने बनाना ओवर राइप 2 बनानास का मिक्सचर लिया हुआ है। इन चीजों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से, फेंट लेंगे अच्छे से इन चीजों को, और कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इसमें, वेनिला एसेंस। तो इनको मैं स्मूथ टेक्सचर आने तक अच्छे से फेंट लूंगी। देखिए विस्कर से मैंने लगभग इसको 5 से 6 मिनट तक फेंटा है। आप इसको हैंड ब्लेंडर वगैरह से भी बीट कर सकते हो। अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ये मैं आटा केक बना रही हूँ, तो मैंने 1 बोल आटा लिया है। इसमें 1 स्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, 1 पिंच बेकिंग सोडा एंड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, ये भी हम छान लेंगे। और मैं डाल रही हूँ 1 स्पून कस्टर्ड पाउडर, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर कंसिस्टेंसी इसकी हार्ड बहुत लगे तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो, बट ये ठीक है क्योंकि हमने काफी लिक्विड मटेरियल ऐड करा है। अब मैं इसमें वॉलनट्स, हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स ऐड कर दूंगी, और ये देखिए ये तैयार है अभी मोल्ड में जाने के लिए। मैंने ओवन को प्री हीट पे लगा दिया है। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप कढ़ाई में कोई भी स्टैंड रख के गरम करके उसको तेज आंच पे रख के 5 मिनट तेज रखिए, फिर मोल्ड में डाल के ढक कर, कढ़ाई को भी ऊपर से ढक कर आप उसको 30 मिनट तक बेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। अभी मैं सारा बैटर इसमें पोर कर दूंगी। तो ये देखिए ये हो गया है सेट, थोड़ा सा हिला के सेट कर लेंगे। और अब जो मेरा ओटीजी प्री हीट हो गया है 10 मिनट के लिए 150 पे, अभी मैं इसमें 120 पे उसको करके 45 मिनट्स तक बेकिंग के लिए लगाऊंगी। ये देखिए ये हो गया है बेक 45 मिनट्स के बाद। अब मैं इसको डीमोल्ड करूंगी। ये देखिए कितना इजीली डीमोल्ड हो गया है। इसके ऊपर मैंने जो बटर पेपर सी, कितना अच्छा प्रॉपर ब्रेड आई है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए अभी हम इसको कट करेंगे, प्रॉपर देखिए वनीला आटा केक है फिर भी कितना फ्लफी बना है, और बनाना और इसमें है वॉलनट्स। तो इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब,
अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लगती हैं, काइंडली शेयर माय डिशेस अहेड. थैंक यू सो मच.